धूमचल मणोभवं गतिं पाते वो छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध के बली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद का समय सार परमागम, जिसका आश्रव अधिकार उसकी प्रारंभ की ही गाथाओं पर अपनी बात चल रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि आश्रव का मूलभूत कारण क्या है, आश्रव का सही स्वरूप क्या है, आश्रव कहते किसे हैं, ये यहाँ पर बात चल रही है। कर्मों का आना वो जगत आश्रव समझता है। जगत क्या, हम लोग भी, और हम लोग भी प्रारंभिक स्तर पर यही चीज पढ़ते भी हैं और यही पढ़ाते भी हैं। इसलिए आश्रव कर्मों का आना यही चीज सब लोग समझते हैं, लेकिन वे कर्मों का आना ही यदि आश्रव है तो कर्म तो हर किसी के आते नहीं है, किसी किसी के आते हैं, किसी के नहीं भी आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं। तो वो जो कर्म आते जाते हैं, किसी के कम आते हैं, तो इसका मतलब कहीं तो कोई ऐसी चीज है जो उन कर्मों के आने को भी नियंत्रित कर रही है, उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल है कुछ। तो वो कौन सी चीज है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अपन सबसे पहले उन गाथाओं को ही पढ़ लेते हैं, तो वो गाथा देख लीजिए एक बार फिर से अपन आज। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुवी अभेया जीवे तस्सैव अनन्न परिणामाम नानावरणादि यस्सते दुःखम् अस्य कारणम् हन्ति तेसिं पिहोति जीवो य राग दोषादि भाव करो। ये जो है गाथा है, हमने पढ़ी, हिंदी भी पढ़ देता हूँ। मिथ्यात्व अविरति योग और कसाय चेतन अचेतन चित रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम है। ज्ञानावरण आदिक अचेतन कर्म के कारण बने उनका भी तो कारण बने रागाधिकारक जीव यह। इन मूल गाथाओं में आप ध्यान देंगे तो अंतिम लाइन ये कह रही है उनका भी तो कारण बने, उनका माने किनका है, जो ज्ञानावरणादि जो अचेतन कर्म है जिनका आश्रव हो रहा है, यानी कि जो आकर के बन रहे हैं, उनका भी एक कारण और भी है, कारण का भी कारण है। दो कारण बताए हैं यहाँ पर, इन गाथाओं में दो कारण बताए हैं, इसलिए ये गाथा थोड़ी सी जटिल हो गई है, थोड़ी सी कठिनाई इसलिए बढ़ गई कि इसमें दो कारण किस तरह से बता दिए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गाथा को यूं समझो कि इसमें रीडिंग बहुत सारी लगानी चाहिए, इस गाथा को दो चार बार आप पढ़ना, हम भी क्लास में ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ करके, क्योंकि कुछ ऐसे भाव हैं जिनको शब्दों में ढालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो मुश्किल तो नहीं है। सीधी बात यह है कि वो जो कर्म आते हैं, देखो क्या है, एक बार फिर से बोल के बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि द्रव कर्म से भाव कर्म आते हैं, भाव कर्म होते हैं, और भाव कर्मों से द्रव कर्मों बंधते हैं, यही पढ़ाते हैं, यही पढ़ते हैं फर्स्ट लेवल पर, कि आपको कर्मों का उदय आएगा तो आपको जो है भाव होंगे। मतलब जैसे मान लो कोई उदय आया तो गुस्सा आ जाएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा तो उसके फल में वापस कर्म बंध जाएंगे, फिर जब कभी उनका उदय आएगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर वापस कर्म बंध जाएंगे। तो द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म, ये जो है ये चीज अपन पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझिए, यदि सच में ऐसा होता रहे तो फिर क्या होगा कि ये जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा पाया, कभी भी नहीं जा पाया, क्योंकि हमेशा कर्म का उदय चालू ही है। कर्म का उदय है तो कुछ ना कुछ भाव कर्म होते रहेंगे, भाव कर्म होते रहेंगे तो द्रव कर्म बनते रहेंगे, और ये परंपरा अनंत काल तक चलती रहेगी। इसे कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था यानी जहां जिसका एंडिंग नहीं है, है कहां रुकेंगे, नए कर्म फिर बनेंगे, नए फिर बनेंगे, यानी एंडिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, है? एक कहानी बीच में याद आई, हालांकि सुनाएंगे तो प्रकरण से दूर चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अनवस्था दोष। अनवस्था दोष यानी कि जिसका कोई एंड नहीं। ये वो कहानी में क्या होता है, एक राजा है, वो आलसी राजा था, तो कोई आता था
न्याय के लिए, तो कहता था क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो कहता ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ कि ऐसा हुआ, फिर अच्छा ठीक है, तो बस फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक है जाओ, मतलब फिर माने कि फिर का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से ये जो कर्म है, ये कर्म जो क्या है, आते कर्मों का उदय होता है, उदय होता है तो फिर वापस भाव कर्म। यदि ऐसा होता है तो सदा ही जीव संसार में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लो अभी तक की पड़ी हुई पट्टी सब कैंसिल, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है कि ये जीव स्वतंत्र है, ये जीव चाहे अपने निज पुरुषार्थ से, आत्मोन्मुखी लक्ष्य से यदि करना चाहे तो भाव कर्म ना करे, और भाव कर्म ना करे तो अगला कर्म बंद भी ना हो। है यदि भाव कर्म हो रहे हो तो तत्व ज्ञान के बल से थोड़े कम करे, जैसे तीव्र गुस्सा आ रहा हो तो मंद गुस्सा आए तो उनका जो है कर्म बंद भी मंद होएगा, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि ये जो जीव है वो स्वतंत्र है, इनके लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से, हाँ, तो इस प्रकार से ये जीव की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाली ये गाथाएं हैं, जो ये कहती है कि जीव का जो कर्म बंधन है वो उसके हाथ में है। पुराने द्रव कर्मों के उदय से ही नया कर्म बंध नहीं होता है। हम सभी संसारी जीव, सब जीवों के आपस में एक दूसरे के क्या क्या कर्मों के उदय चल रहे हैं उसे ही देखते हैं, उसे ही देखते हैं, लेकिन आगामी क्या बंद हो रहा है उसे कोई नहीं देखता है। एक मिनट जरा, चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए ये पेज नंबर 6 पर जो है एक पैराग्राफ जो पढ़ लेता हूँ। यद्यपि पुराने मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्मों का उदय नए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंधन का निमित्त कारण है। देखो ये इसमें बहुत कुछ बात आएगी आपको समझ में। यद्यपि पुराने मिथ्यात्वादी द्रव्य कर्मों का उदय नए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंधन का निमित्त कारण है, तथापि जब तक आत्मा स्वयं राग द्वेष मोह रूप नहीं परिणमे, तब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधन नहीं होता। इस कारण पुराने मिथ्यात्वादी रूप द्रव कर्मों का उदय नए ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में निमित्त बने। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए रागादि भावों का निमित्तपना आवश्यक है, निमित्तत्व निमित्तपना आवश्यक है। इसलिए यह कहा गया है कि मोह राग द्वेष भाव पुराने कर्मों के उदय के निमित्त तत्व के निमित्त हैं, और इसलिए वे वास्तविक आश्रम हैं। क्या आश्रम है, वास्तविक मोह राग द्वेष, क्योंकि वे मोह राग द्वेष होंगे तो पुराने कर्म भी नए कर्मों के बंधने में निमित्त बनेंगे, और नहीं तो वे भी नहीं बनेंगे, है ना। इस प्रकार की बात है। ये जो श्रृंखला है ये जो है कैसे टूटेगी उसका जो क्रम यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऐसा है घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है। ऐसे ये चीज ऐसी है, कुछ इस तरीके की बात है। क्या है इसमें कि जो पुराने जो कर्म हैं जो हमने बांधे हैं वो तुरंत तो फल देते नहीं है, कम से कम जो है अंतर्मूर्तियां कुछ ज्यादा समय लगता है, उसके बाद वो फल देना शुरू करते हैं, उतने समय को बोलते हैं आबाधा काल। ठीक है, आबाधा काल के बाद वे कर्म फल देना शुरू करते हैं। जब वो फल देना शुरू करते हैं, जब उदय में आते हैं, तब ये जीव जो है उनके फल में यदि उग्र नहीं होता है, व्यथा व्यथित नहीं होता है, आकुलित नहीं होता है, राग द्वेष मोह नहीं करता है, तो आगामी कर्म भी नहीं बनता है। अब बताओ ये कितनी सीधी बात है कि हमारे हाथ में है राग द्वेष कर्म। यदि किसी को गुस्सा आए और उससे पूछा जाए कि भाई तुम गुस्सा मत करो, तो वो कहे कि नहीं मुझे गुस्सा कर्म का उदय आ रहा है इसलिए आ रहा है, मैं क्या करूं। तो ऐसा काम नहीं चलता, कर्म जीव को विकार नहीं करा सकता। यदि एक द्रव दूसरे द्रव को विकार करा दे तो ये जीव तो सदा सदा के लिए परतंत्र हो जाएगा, फिर ये जैन दर्शन नहीं रहेगा, फिर ये सांख्य दर्शन बन जाएगा। क्योंकि सांख्य दर्शन ऐसा ही कहता है कि कर्म जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं, ऐसी विचित्र बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न ये खड़ा किया कि आप तो कहते हो कि जो निमित्त है वो तो परद्रव्य बनता है, स्वद्रव्य थोड़ी निमित्त बनता है। इधर द्रव कर्म का उदय और नए द्रव कर्म बन रहा, तो दोनों ही द्रव कर्म है, दोनों ही पुद्गल है, तो
तो जब दोनों ही एक ही तरफ हुआ तो फिर अलग अलग कैसे हुआ? अलग होना चाहिए ना, अलग नहीं है, एक ही है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया। लेकिन देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य तो दो हो सकते हैं, एक पुद्गल द्रव्य क्या निमित्त दूसरा पुद्गल द्रव्य तो बन सकता है, उसमें कौन बड़ी बात है। ऐसे ही जो पुराने द्रव कर्मों का उदय आया है वो नए वाले द्रव कर्मों के बनने में निमित्त है। तो पुराना पुद्गल और नया पुद्गल, तो दोनों पुद्गल अलग हुए ना, कि सेम पुद्गल थोड़ी रहा, अलग अलग पुद्गल है। इसलिए एक द्रव दूसरे द्रव का निमित्त बन सकता है, चाहे दोनों के दोनों ही पुद्गल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? प्रश्न तो सीधा है, ऐसे लगता है अरे इसकी क्या जरूरत थी, बीच में क्यों आया ऐसा प्रश्न, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये प्रश्न करने वाले के मन में पहले से ये बैठा हुआ है कि आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाव कर्म से द्रव कर्म बनते हैं और द्रव कर्म से भाव कर्म, ऐसा ऐसा कहना चाहिए ना। तो ऐसी चीज को निकलवाने के लिए शिष्य के मुंह से ऐसा प्रश्न रखा जा रहा है कि नहीं नहीं आपने सहम कैसे कर दिया, अलग करो ना ऐसा। तो आचार्य ने उत्तर दे करके मुंह बंद कर दिया, लेकिन मुंह बंद कर तो दिया लेकिन शिष्य के मन में फिर से प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो क्या प्रश्न हुआ फिर से देखो, कंटिन्यू आपकी पुस्तक में लिखा है। फिर अगला प्रश्न शिष्य बोलता है कि हमने तो आज तक ये सुना कि द्रव कर्मों के उदय में भाव कर्म और भाव कर्मों से द्रव कर्म का बंध होता है, यह कथन तो सर्व प्रसिद्ध है, हम तो यही सुनते आए हैं शुरू से। लेकिन यहाँ तो आप क्या कर रहे हो, पुराने द्रव कर्मों के उदय को नवीन कर्मों के बंध का निमित्त कह रहे हो, ठीक है? यानी कि जो निमित्त है वो भी कर्म है द्रव कर्म, और जो बंध रहा है नैमित्तिक वो भी द्रव कर्म है, दोनों के दोनों द्रव कर्म है, भाव कर्म को कैसे उड़ा दिया आपने, ऐसा प्रश्न है। समझ में आया? तो ये जो है ये प्रश्न यहाँ रखा, ठीक है। अब इसका उत्तर वो ये दे रहे हैं आचार्य कि जो बात आज तक आप सुनते आए हो द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म, वो बात तो स्थूल कथन है, सामान्य कथन है, वो तो जनरली पढ़ाया जाता है छोटे लेवल पर। लेकिन यदि सूक्ष्मता से विचार करें, गहराई से देखें, विशेष कथन की तरफ जाएं, तो ये बात समझ लो कि सभी द्रव कर्मों के उदय से, सभी द्रव कर्मों के उदय से नया कर्म नहीं बनता है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म के उदय से नए कर्म बनते हैं, सब कर्मों के उदय से नहीं बनते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने पुराने कर्मों के उदय को ही लिया है, और क्या बोलते हैं मोह राग द्वेष को लिया है, पुराने द्रव कर्मों के उदय को नहीं लिया, ऐसा उल्टा बोल गया मैं, ठीक समझ में आई कि नहीं? थोड़ी सी कठिन है इसको, क्या रोचक बनाने के लिए मेरे पास कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है अभी, है ना। लेकिन आप इसको बहुत गंभीरता से सुनना, समझना, बाद में भी सुनना, किताब भी पढ़ना, जो क्वेश्चन भेजे वो भी पढ़ना, तब बात ये समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं देखो, क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे किसी ने गाली दी, ठीक है, उस गाली को मैं मान लो गाली सुन करके क्रोध करूं, ठीक है, तब तो मुझे नया कर्म बंधेगा, और मान लो मैं क्रोध नहीं करूं तो नया कर्म नहीं बंधेगा। लेकिन मैंने क्रोध तो नहीं किया लेकिन उस गाली को सुना तो सही, मैं गाली को सुनूंगा तो कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? अभी मैंने बात को चेंज किया थोड़ा सा, फिर से बताता हूँ, किसी ने गाली दी और मैंने क्रोध किया तो नए कर्म बंध गए, यहां तक तो ठीक है, ये तो सरल है। लेकिन किसी ने गाली दी, मैंने क्रोध नहीं किया लेकिन वो गाली मेरे कानों में पड़ी, मैंने उसको सुना, मैंने उसको जाना, मैंने उसे देखा, अब कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? नहीं बंधेंगे। अब है गाली को जानने से, सुनने से, देखने से, गाली देने वाले को देखने से, इन सबसे कर्म नहीं बनते हैं। जब तक कि क्रोध मान माया लोभ यार मोह राग द्वेष कुछ नहीं करो तब तक कर्म नहीं बंधेंगे, यानी कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से कर्म नहीं बंधेंगे, दर्शनावरण कर्म के उदय से भी कर्म नहीं बनेंगे, अंतराय कर्म के उदय से भी कर्म नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे अंतराय से भी। आपका दान देने का मन हुआ, आपने सब कुछ कोशिश भी की, पूरा सब कुछ सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन दानांतराय कर्म के उदय से दान नहीं दे पाए तो भी आपको कोई नया कर्म नहीं बंधेगा। भोगांतराय उपभोगांतराय, नाम गोत्र आयु वेदनीय सारे के सारे लगा लेना, आपके सारे संयोग प्रतिकूल हैं, सारे के सारे लोग आपकी कोई सुनता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में हैं आप, इन सब के कारण भी नए कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे कि मेरी तो कोई नहीं सुनता, हाय राम मेरा तो जीवन निष्फल है, बेकार हो गया, तो फिर नए कर्म बने। समझ में आई बात? यानी जब तक आप मोह राग द्वेष
ये नहीं करोगे तब तक नया कर्म नहीं बंधेगा, चाहे पुराने कर्म कितने ही उदय में आते रहें। पुराने कर्म के उदय से नया कर्म बनता है, ये तो निमित्त हुआ, लेकिन मोह राग द्वेष उस पुराने कर्म का निमित्त का भी निमित्त है। ऐसा ऐसा यहां बता रहे हैं, निमित्त का भी निमित्त ऐसी चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। तो मूल गाथा में सही बात करते हैं पहले। मूल गाथा में ये बताया कि जो नए कर्म बंधने के चार कारण बताए हैं, पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है कषाय और चौथा है योग। ये चार कारण बताए हैं। ठीक है, अब आप देखना अभी तक की जो बात समझाई ना उसको यहाँ पर लागू करो गाथा पे। अभी तक की मैंने क्या बताई कि सात आठों कर्मों में से सिर्फ मोहिनीय कर्म के उदय से ही, उदय से नहीं, उदय चाहे जितना हो, हम खुद मोहिनीय कर्म यानी क्रोध मान मोह राग द्वेष ये करेंगे तो नया कर्म बनेगा। ठीक है, अब उनमें से देखो मिथ्यात्व, ये चारों पहली गाथा गाथा की तरफ देखना, 164 नंबर की गाथा। ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व क्या है? दर्शन मोहिनी है। ठीक है, अभिरमण और कषाय, ये दोनों क्या है? चारित्र मोहिनी है। और योग, ये तो कुछ नहीं, योग अलग से ले लिया, मतलब चार कारण में से तीन कारण ही सेट हो रहे हैं, चौथा सेट नहीं हो रहा है ना। ये प्रश्न होना चाहिए अपने मन में कि भाई आपने तो कहा सिर्फ अकेला मोहिनी कर्म के उदय हो, चाहे कितना भी उदय हो, लेकिन जब तक हम खुद मोह राग द्वेष, एक बार एक चीज और बताता हूँ, ये शब्द जो है ना मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ये तीन शब्द है, ये तीन शब्द में से मोह शब्द से समझना दर्शन मोह, और राग द्वेष का अर्थ समझना चारित्र मोह। ये भी टेक्निकल चीजें हैं, हमेशा बार बार नहीं बताते, एक बार समझ लो आप, क्या बोलते समय हर वक्त नहीं बोली जाती चीज। क्या समझते हैं? मोह माने होता है दर्शन मोह और राग द्वेष मतलब होता है चारित्र मोह। तो मोह राग द्वेष ये तीनों शब्द का एक मतलब हो गया, मोहिनी कर्म खत्म रहा। ठीक है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो अब यहाँ देखो मिथ्यात्व माने दर्शन मोह, अभिरमण और कषाय माने चारित्र मोह, अब योग बच गया। ठीक है, जबकि चार कारण गिनाए, तीन में बात पूरी हो गई अपनी, अपना काम तो तीन में हो गया, एक एक्स्ट्रा बताया है, वो क्यों बताया है? तो अब समझो, अब याद करो, इसके पीछे बड़ी लंबी लंबी पूरी टेक्निकल चीजें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी है, जैन टेक्नोलॉजी है, इसमें कर्म सिद्धांत की टेक्नोलॉजी बताई है। क्या टेक्नोलॉजी बताई है? कि आप याद करो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं योग से, ठीक है, और स्थिति अनुभाग बंद होते हैं कषाय से, मिथ्यात्व विवृति और कषाय। तो मूल चीज जब तक स्थिति नहीं पड़ेगी कर्मों में तब तक बंधन माना ही नहीं जाएगा ना, चाहे जितना भी कुछ प्रकृति प्रदेश होता रहे, लेकिन होता तो है ना, इसलिए योग को भी लिखा है। भले ही प्रकृति प्रदेश होता है, सिर्फ होता है, इसलिए यहाँ योग का नाम आया है। बाकी योग की इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, महत्वपूर्ण तो यही है मिथ्यात्व विरति और कषाय, ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजों से हम बच गए तो कर्मों से बच जाएंगे, आगामी कर्म नहीं बनेंगे, ये चीज समझने की है ना। अब इसके बाद देखो ज्ञानावरण कर्म के उदय आए, कोई दिक्कत नहीं, नया ज्ञानावरण कर्म किससे बनेगा? ज्ञानावरण कर्म के उदय से नया ज्ञानावरण बनेगा क्या? कि नहीं, मोहिनी के उदय से नया ज्ञानावरण बनेगा। अच्छा, दर्शनावरणी कर्म के उदय से नया दर्शनावरणी बनेगा? कि नहीं बनेगा, मोहिनी के उदय से ही नया दर्शनावरणी बनेगा। ऐसा है सिद्धांत, है ना। सात कर्म तो एवरी टाइम बन रहे हैं आयु कर्म को छोड़कर, ठीक है, उनमें से चार घाती कर्म तो अशुभ ही माने जाते हैं, वो शुभ नहीं माने जाते। जो शुभ अशुभ का भेद है ना, वो तो अघातिया कर्मों में है, घातिया में नहीं है, घातिया तो सारे के सारे अशुभ में ही आते हैं। ठीक है, तो अशुभ कर्म में ही आते हैं पूरे घातिया, और वो एवरी टाइम बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हम शुभ क्रिया करते हैं, शुभ भाव करते हैं, उस वक्त भी चार घातिया जो कि अशुभ रूप है वे बन रहे हैं। बताओ, हम पाप करेंगे तो पाप बंधेगा, ये बात समझ में आती है, लेकिन जब हम पुण्य करते हैं तब भी पाप बन रहा है, ये बात बड़ी विचित्र। समझ में आई बात? कितनी टेक्निकल चीज है ये, नहीं समझ में आई, बहुत कठिन चीज है ऐसा लग रहा है, ये शब्द सुने नहीं होंगे ना बार बार, इसलिए सात कर्मों में से चार कर्म जो बन रहे हैं वो तो पूरे पाप रूप ही है, उनमें तो एक अंश मात्र भी पुण्य का नहीं है। हम चाहे पुण्य की क्रिया में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, धर्म कर रहे हैं, समय सार सुन रहे हैं, तो भी हमको सात कर्मों में से जो चार घाती कर्म है वो पाप रूप बन रहे हैं, हर वक्त पाप बन रहा है जीव को, ऐसी विचित्र बात है। ये किसकी बदौलत है? ये सब कर्मों का जो राजा है मोह, उसकी बदौलत है।
ये मोह कहता है चलो मेरा ऑर्डर है सारे कर्म आ जाओ, सारे के सारे कर्म आ जाते हैं, एक कर्म की सजा सब कर्म देते हैं हम, ऐसी स्थिति है। इसलिए चाहे जैसी भी स्थिति हो, ज्ञानावरण का क्षोभसम कम से कम हो। देखो किसी को बहुत कम ज्ञान का क्षोभसम है, कुछ भी याद करने पर याद नहीं होता है, कुछ भी पढ़ो तो समझ में नहीं आता है ना, तब तक तो ठीक है, तो उसको शांत भाव से वो स्वीकार करे तब तक ठीक है। लेकिन वो मन में ये खेद खिन्न होए, ग्लानी करे, हाय राम मेरा तो जीवन निष्फल हो गया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी तो कब समझ में आएगी, मुझे कब अक्कल आएगी, तो उससे नए कर्म बनते हैं। देखो गजब बात, यानी जो भी परिस्थिति हमारी बन रही है, कैसी भी परिस्थिति अच्छी बुरी, उस परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार कर लेने से कर्म नहीं बनते हैं, और उस परिस्थिति में जरा भी हम कुछ सोचते हैं तो कर्म बनने लग जाते हैं। ये चीज यहाँ पर बताइए, लेकिन इस चीज को थोड़ा समझना समझाना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा समझना इसको। अब इसमें क्या कह रहे हैं, मोहिनी को छोड़कर शेष कर्मों के उदय को बंद की निमित्तता नहीं है, जब तक मोह राग द्वेष नहीं होंगे तब तक कर्म नहीं बनेंगे, इसलिए नए कर्म का निमित्त वो तो पुराने कर्म का उदय है, और पुराने कर्म का उदय का भी निमित्त वो मोह राग द्वेष, इसलिए मोह राग द्वेष निमित्त का भी निमित्त है। ये चीज यहां बता रहे हैं, निमित्त का भी निमित्त है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, पेज नंबर 8 पर है, तीसरा पैराग्राफ है। तात्पर्य ये है कि ये दो पॉइंट जो है ना इसके ऊपर के, जहां से पढ़ रहा हूं इसके ऊपर के दो पॉइंट वो मैंने आपको बोल के बताया। तात्पर्य यह है कि जीव के मोह राग द्वेष भाव द्रव कर्मों के बंधन में उपादान कारण तो है ही नहीं और निमित्त भी नहीं। लो कैसी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है, ऐसी बात सुनने से ही आदमी पहली बार में ही कहेगा अरे क्या क्या कह रहे हो। देखो कि जीव के मोह राग द्वेष भाव द्रव कर्मों के बंधन में उपादान कारण तो है ही नहीं और निमित्त कारण भी नहीं है। लो जी भाई, तो कौन है निमित्त कारण वो भी बता दो, कि देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि उपादान कारण तो वे कर्मण वर्गणा खुद है जो कि कर्म रूप बन रही है, जो जो कर्मण वर्गणा है कर्म रूप बन करके बन रही है वे तो उसकी उपादान है, और निमित्त कौन है कि पुराने द्रव कर्मों का उदय वो उसका निमित्त है। बताया था ना इसके पहले आया था निमित्त, एक एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का निमित्त हो सकता है, तो जो पुराने कर्मों का उदय आ रहा है वो उसका निमित्त है। तो मोह राग द्वेष तो बिल्कुल सेपरेट अलग ही चीज रख ली, और वो कह रहे कि ये जो मोह राग द्वेष है भाव मिथ्यात्व है, भाव मिथ्यात्व यानी जीव के अंदर उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व, वो तो उसका भी निमित्त का भी निमित्त है, वो ऐसा निमित्त का भी निमित्त है। क्यों है, क्यों इतना दूर का संबंध क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे ये जीव के साथ, मतलब जीव इतना स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, वो चाहे तो क्रोध करे चाहे तो ना करे। अच्छा किसी ने गाली दी तो क्रोध करना हमारी एक जरूरत है क्या, वो है कि कंपलसरी है क्या कि हमको क्रोध करना ही पड़ेगा है, मान लो कोई कुछ भी कहे तो हमें क्या गुस्सा करना ही पड़ेगा, मान करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है क्या, नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, मत करे, जीव चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे, ऐसी विचित्र बात है ये है ना। अब ये जो बात चल रही है, जीव स्वतंत्र है, जीव चाहे तो क्रोध नहीं करे, ठीक है। अब ये जो बात कह रहे हैं, यहाँ बीच में ही देखो शिष्य के मुंह से बहुत अच्छा प्रश्न उत्पन्न किया है, ये मुझे लगता है गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रवचन से है। कांजी स्वामी का जो अध्ययन था ना वो इतना सूक्ष्म बारीक था, है ना, आप सुनकर के ताज्जुब करोगे। देखो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न किया है, क्या वो प्रश्न उत्पन्न किया है कि ये जो भाव मिथ्यात्व को राग द्वेष मोह को आप कह रहे हो जीव का है, जीव करता है, जीव स्वतंत्र है ना, जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं, लेकिन आप याद करो बेहतर भी गाथा में ये कहा था कि ये आश्रव भाव तो जड़ है, असुचि है, आत्म स्वभाव के विपरीत है, ऐसा कहा था ना आपने, तो ये जो भाव मिथ्यात्व है इनको तो जड़ कहा था, जड़ जड़ यानी पुद्गल कहा था, और यहाँ जीव के बोल रहे हो आप। देखो एक ही समय सार में दो जगह पर दो विरोधी जैसी बातों को पकड़ा और याद रखा, ये गाथा चल रही 164 और वो गाथा थी 72 नंबर की, उस 72 नंबर की गाथा में कहा था कि ये आश्रव भाव तो असुचि है, जड़ है, विपरीत है, ऐसा कहा था, तो यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न किया, तुरंत तुरंत प्रश्न उत्पन्न किया कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, यही जो आत्मा में क्रोधादि भाव होते हैं ये इनको कहते हैं भाव आश्रव,
तो ये जो भाव आश्रव हैं इनको 72वीं गाथा में जड़ का कहा था और 164वीं गाथा में उनको जीव का कहा है, तो ऐसा विरोध क्यों? तो उसका उत्तर सुनो भाई, उत्तर और उत्तर भी ऐसा वैसा उत्तर नहीं दे दिया, उसमें भी रेफरेंस दे दिए कई सारे, जैसे पीएचडी करते हैं लोग उस तरीके के रेफरेंस दे दिए, दूसरे ग्रंथों के भी दे दिए। देखो उत्तर, भाई जहां आश्रवों को जड़ असुचि और दुख का कारण कहा, 72वीं गाथा में कहा है देख लेना, जहां आश्रवों को जड़ असुचि और दुख का कारण कहा है वहां आश्रवों का कर्तापना छुड़ाकर शुद्ध चैतन्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है कि इनसे दृष्टि हटा ले, और यहां वे अपनी जीव की पर्याय में होते हैं ऐसा कहकर वे जीव के उदय से नहीं होते यह सिद्ध करने का प्रयोजन है। जीव के उदय से नहीं होते ये मोह राग द्वेष, जीव क्या कर्म के उदय से नहीं होते, जीव नहीं मैं गलत बोल गया, कर्म के उदय से नहीं होते यह सिद्ध करने का प्रयोजन। जीव की खुद की जिम्मेदारी है, खुद जीव को ही मिटाने पड़ेंगे। अच्छा ये कर्म के जैसे मान लो कोई समझे 72वीं गाथा के अनुसार, अच्छा ये जड़ है ना जड़, तो ठीक है जड़ जाने मैं क्या जानू भाई, जड़ जाने ये जाने मुझे क्या मतलब, मैं तो ऐसा अपनी जिम्मेदारी से कोई बचना चाहे और छोड़ दे कि अच्छा ये जड़ से होते हैं कर्म का, तो जड़ जाने मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों पढ़ू चक्कर कि भाई तू नहीं पढ़ा, दुख तो तुझे भोगना पड़ रहा है, कर्म थोड़ी भोग रहे, दुख कौन भोग रहा है, कर्म भोग रहे हैं कि जीव भोग रहा है, जीव भोग रहा है, इसलिए जिम्मेदारी जीव की बनती है, जीव को ही मिटानी पड़ेगी है ना। आश्रव भाव जीव की भूल से, जीव के ही विकार हैं, जीव में उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहने का प्रयोजन है कि वे कर्मोदय के कारण नहीं हुए हैं। देखो क्या विचित्र बात है, सारी दुनिया सारे लोग प्रवचनकार जितने भी कितने सारे 99% लोग ये कहते हैं कर्म मुझे कराते हैं, कर्म उदय से होते हैं, कर्म के कारण है, कर्म ने ऐसा करा दिया, कर्म ने मुझे बांध लिया, कर्म ने संसार में घुमा दिया, या कह रहे कि कर्म उदय के कारण क्या होगा, ये विचित्र बात, ये मतलब क्या है, वो बात भी गलत नहीं है लेकिन वहां अपेक्षा समझने में भूल कर देते लोग अपेक्षा समझने की भूल है। जो तो कर्मोदय के कारण नहीं हुए हैं उनके होने में कर्मों का कोई दोष नहीं है, लो कर्मों का कोई दोष नहीं है, तो दोष किसका है, जीव का है, कर्म उनका कर्ता नहीं है, वे जीव की भूल से हुए, जीव के ही परिणाम है, जीव के ही परिणाम है, क्यों है, ऊपर की गाथा देखो 164 नंबर की गाथा की पहली पंक्ति नहीं दूसरी पंक्ति, तत्सेव अनन्य परिणामो, तत्सेव यानी उस जीव के ही वे अनन्य परिणाम है, जीव के परिणाम है, मोह राग द्वेष कर्म के परिणाम नहीं है जीव के परिणाम है। देखो कांजी स्वामी का अध्ययन की बात चल रही थी ना, तो कैसा अध्ययन था ये एक एग्जाम्पल तो ये दिया, दूसरा वो कहा दे रहे हैं समय सार की बात, दूसरे ग्रंथों की बात, प्रवचन सार लो, प्रवचन सार में भी और समय सार में अनेक स्थानों पर ऐसे कथन आते हैं कि यदि कर्म के उदय मात्र से आत्मा में राग द्वेष आदि होवे तो सदैव संसार ही रहेगा, कभी किसी का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय सदा बना ही रहता है। ठीक है, और प्रवचन सार की 45वीं गाथा में जय सेनाचार्य की टीका में भी कहा है कि वास्तव में तो जब जीव स्वयं विकार परिणाम करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं, वरना कर्म को निमित्त किसका बोलोगे, काम होगा तभी तो निमित्त बोलोगे, काम ही नहीं हुआ तो निमित्त किसका बोलोगे, नया कर्म बंधेगा तो पुराना कर्म निमित्त कहने में आएगा, और नया कर्म बंधा ही नहीं है तो पुराने कर्म को निमित्त भी किसका बोलोगे, काम ही नहीं है तो निमित्त किसका, समझ में आई ना बात, तो इस तरह से ये बहुत गंभीर बात चल रही है, बहुत ही गंभीर है ना। देखो और फिर तीसरा ग्रंथ, दो ग्रंथ हो गए, तीसरा ग्रंथ पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा में जहाँ पांच अस्तिकाय की सिद्ध किए हैं, वहां कहा है कि विकार अपने अस्तित्व में होता है, अपनी पर्याय में होता है, अपने षटकारक से होता है, लो एक एक द्रव की स्वतंत्रता, जैन दर्शन जिस प्रकार अकर्तावादी दर्शन है उसी प्रकार स्वतंत्रतावादी भी दर्शन है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर्ता धर्ता नहीं, सब द्रव्यों के बीच वज्र की दीवार जैसा अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव है, इसलिए कोई भी द्रव किसी को कोई बाधित नहीं करता, सब स्वतंत्र है, ऐसी विचित्र बात चल रही। अब ये इतना सब हो गया ना, इतना सब होने के बाद एक दूसरा ही प्रश्न खड़ा हो गया, नया ही प्रश्न जो सोचा ही नहीं होगा, वो प्रश्न ये खड़ा हो गया कि जब कर्म के कारण ये विकार नहीं हो रहा है, सुनना, जब ये कर्म के कारण विकार नहीं हो रहा है, जीव के स्वयं के कारण ही विकार हो रहा है, तो विकार को जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा, ये नया प्रश्न है, लो कितना जबरदस्त प्रश्न है, ऐसा लगता है कि अरे यहां तो आकर के शायद गाड़ी अटक गई लग रहा है क्या क्या समझ में आया,
देखो क्या होता है, कोई भी विकार कर्म के कारण होता है, अस्थायी होता है, तब तो अपन कह देते हैं ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। जैसे पानी की उष्णता थोड़े समय है, बाद में हट जाएगी, तो कहते हैं विभाव है। जो परद्रव्य के निमित्त से हुआ है अथवा थोड़े समय के लिए हुआ है, उसे तो जीव का विभाव कहकर छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्म के निमित्त से हुआ नहीं, दूसरा परद्रव्य जिसमें कारण नहीं, जीव स्वयं ही जिसका कारण है, इसका मतलब जो विभाव है, क्रोध मान माया लोभ है, मोह राग द्वेष है, इनको जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं प्रश्न है। जैसे कोर्ट में केस चलते ना, तो वो मुजरिम से खुद ही ऐसा शब्द उगलवा लेते हैं जिससे वो खुद स्वीकार कर लेगा, हाँ मेरी गलती है। तो अभी देखो कितने रेफरेंस दे दिए, समय सार का दे दिया, प्रवचन सार का दे दिया, पंचास्तिक आय का दे दिया। इतने रेफरेंस सुनने के बाद में वो शिष्य ने कहा कि अच्छा, आप कर्म ये भाव मिथ्यात्व को, मोह राग द्वेष को बिना कर्म के हुए ही मानते हो, आप स्वयं जीव से ही हुए मानते हो, तब तो इनको जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा आपको। लो ऐसा ऐसा नया ही गाड़ी अटक गई, देखो कितनी विचित्र बात है, सोचने लायक बात है। लेकिन फिर इसका उत्तर क्या दिया कि वो करे हाँ, लो और विचित्र, जो उम्मीद से भी उल्टा उत्तर है कि ये जो भाव मिथ्यात्व है, राग द्वेष मोह है, इनको जीव का स्वभाव मानने में भी हमें आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीव में ही होते हैं, जीव के अतिरिक्त कहाँ होते हैं बताओ। ऐसा देखो समय सार की, इसी समय सार की 372वीं गाथा में राग को जीव का स्वभाव कहा है, राग को जीव का स्वभाव। अभी तक तो ज्ञान को जीव का स्वभाव कहते आए, राग तो विभाव है, लेकिन उस राग को जीव का स्वभाव कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि वो स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, स्वभाव से उत्पन्न होता है। जो राग है उसका फल कौन भोगता है, कर्म भोगता है कि जीव भोगता है? जीव भोगता है, जीव में ही उत्पन्न होता है। अच्छा कर्म में उत्पन्न होता है कि जीव में उत्पन्न होता है? कि उत्पन्न भी जीव में होता है, तो जीव में उत्पन्न हो सकता है, जीव के अतिरिक्त शेष पांच द्रव्यों में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। पुस्तक को कभी भी राग नहीं हो सकता, चाहे जितना प्रयास करो, है कि नहीं? तो जीव में ही राग उत्पन्न होता है, ऐसी जीव की अपनी योग्यता है। ये योग्यता का नाम ही कहा कि ये जीव का स्वभाव, समझ में? ऐसा कहकर ये संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी दे दी? जीव को दे दी, संपूर्ण जिम्मेदारी जीव को दे दी। अगले पेज पर पैराग्राफ देखता हूं, 10वें पेज पे। यहां पहले तो विकार चैतन्य की पर्याय में होता है ऐसा सिद्ध किया है, पहले तो चैतन्य की पर्याय में विकार होता है ये सिद्ध किया, उसके बाद उस विकार से भेद ज्ञान करा के उसको स्वभाव से पृथक कर दिया। जीव में उत्पन्न होता है ये बात तो ठीक है, इसलिए जीव का स्वभाव है। स्वभाव तो इसलिए कि जीव में उत्पन्न होता है, और विभाव इसलिए कि वो जीव के स्वभाव से विपरीत भाव वाला है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? जैसे काई होती है वो पानी में उत्पन्न होती है, काई मतलब वो जो हरी हरी जो शैवाल परत जो पानी के ऊपर छा जाती है, पानी में उत्पन्न होती है, तो पानी का स्वभाव है क्यों पानी में उत्पन्न होती है। जैसे मान लो कोई पानी में देखे हरी हरी शैवाल और कहे आश्चर्य प्रकट करे, अरे 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 ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, तो उसको कहते हैं अरे कुछ नहीं, पानी में ऐसा ही होता है, ये तो स्वभाव है, पानी में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, माने पानी का स्वभाव है, ठीक है। तो वो पानी में उत्पन्न है इसलिए पानी का स्वभाव है, लेकिन पानी के स्वभाव से विपरीत भाव वाला इसलिए विभाव, ठीक, समझ में आई बात? ऐसे जीव में राग होता है इसलिए उसको स्वभाव कहा, लेकिन वो जीव के लिए हितकारक नहीं है, अहितकारक इसलिए उसको विभाव, ठीक है, ये बात है। तो ऐसा स्वभाव से पृथक कर दिया, मोह राग द्वेष आत्मद्रव्य की पर्याय के अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, आत्मद्रव में होते हैं, और वे अपने अपने से ही हैं, अपने में होते हैं, पर के कारण या कर्म के कारण नहीं होते हैं, ऐसा सिद्ध करके फिर उसे भी भिन्न बताकर जुदा कर दिया, उससे भी फिर भेद ज्ञान करा दिया, कह दिया कि हाँ ठीक है, होते तुम्हारे अंदर ही हैं, लेकिन जड़ हैं, असुचि हैं, विपरीत भाव वाले हैं, बेहतर भी आता, ऐसा बोल दिया, ठीक है। इस प्रकार से है। खैर ये बीच में कुछ एक्स्ट्रा बात आ गई थी, मूल गाथा की तरफ वापस आते हैं अपन, ये बीच में एक्स्ट्रा बात आ गई थी, ठीक है। मूल गाथा में क्या कहा कि मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये जो है संज्ञ और असंज्ञ माने जीव और अजीव के भेद से चार चार दोनों तरफ लगा लेना, जीव जीव के भी चार भेद हो सकते हैं, अजीव अजीव के भी चार हैं। द्रव्य मिथ्यात्व अजीव रूप है, भाव मिथ्यात्व जीव रूप है, द्रव्य अविरति
अजीव रूप है और भाव अभिरति जीव रूप है, द्रव कषाय अजीव रूप है और भाव कषाय जीव रूप है, इस तरह से ठीक है। और बहुवीय भेहा, बहुवीय भेहा यानी बहुत प्रकार के भेदों वाले हैं। अभी मिथ्यात्व के भेद करने बैठो तो एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व, एक होता है गृहित मिथ्यात्व, ठीक है। और पांच प्रकार का मिथ्यात्व भी होता है, एकांत, संशय, विनय, विपरीत, है ना, अज्ञान। तो ये पांच प्रकार के मिथ्यात्व भी होते हैं, अविरति भी 12 प्रकार है। तो इस तरह से उनके बहुत भेद हैं। कितने भेद हैं देखो, पन मिथ्यात योग 15, द्वादश अविरति जानो, पंचरुवीस कसाय मिले सब 57 मानो। पन मिथ्यात, पांच प्रकार के मिथ्यात्व हैं, योग 15, 15 योग, कोई 3 योग बताता है, मन योग, वचन योग, काय योग। लेकिन मन योग के भी 4 भेद हैं, वचन योग के भी 4 हैं, काय के फिर 7 हैं। तो उपभेद सब टाइप्स में जाएंगे तो 15 भेद हो जाते हैं। 3 गिनना है तो 3 गिन लो, 15 गिनना है 15 गिन लो, ऐसे है ना। तो अलग अलग आचार्यों के हिसाब से अलग अलग संख्या आ जाती है, इसलिए उस संख्या के चक्कर में न पड़ के इन्होंने सीधा ही लिख दिया बहुवीय भेया, बहुत प्रकार के भेदों वाले जीव, यानी जीव में ही है वो, ठीक है। पांच प्रकार का मिथ्यात्व किसका, जीव का, है ना। और योग 15, 15 योग हैं, और द्वादश अविरति 12 प्रकार की अविरति है, 6 तो हैं इंद्रिय, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, 6 प्राणी संयम है, 6 इंद्रिय संयम है। कैसे, 5 इंद्रियां हमारी और एक मन, 5 इंद्रिय और एक मन, इन 6 की अभिलाषाओं पर नियंत्रण नहीं रखना, जिधर मन करे उधर ही विषय भोगों में चले जाना, वो है इंद्रिय असंयम। इंद्रिय संयम का उल्टा इंद्रिय असंयम। और ऐसे ही प्राणी असंयम, प्राणी यानी कि जो 5 स्थावर और एक त्रस, 6 प्रकार के जीव हैं, षटकाय जीव, इन षटकाय जीवों के प्रति दया नहीं रखना, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से 12 अविरति हैं, ये सब 12 अविरति वगैरह सब चीज लगा लेना, ये किसके अंदर आएगी, चारित्र मोह के अंदर, है ना। अविरति को चारित्र मोह में लिया है, कसाई को चारित्र मोह में लिया है, मिथ्यात्व को दर्शन मोह में लिया है, योग को इसलिए लिखा है कि उससे प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं, लेकिन उन प्रकृति प्रदेश बंद में जब तक स्थिति और अनुभाग नहीं पड़े तब तक वो भी काम का नहीं है, है ना। तो मुख्य रूप से तो ये 3 कारण जो शुरू के ना वही है मेजर, ठीक है। और ये तीनों कारणों को एक कर्म में यदि समेटना है तो वो है मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म के उदय में ही इस बात को पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह से रखा है, लिख करके बहुत अच्छी तरीके से लिख के रखा है। यूं समझो कि बड़े बड़े मुनिराजों के ऊपर कितने संकट आए, है ना, लेकिन उन्होंने उस संकट को जान लिया, शांत भाव से सह लिया और मोह राग द्वेष नहीं किया तो नए कर्म नहीं बंधे और निर्बंध होके मुक्त होकर के संसार से पार हो गए। और जो थोड़े भी संकट संकट आए या नहीं आए, बिना आए भी लोग बहुत करते हैं मोह राग द्वेष, संकट आएगा जब भी मोह राग द्वेष होंगे, ऐसी बात नहीं, बिना संकट आए ही मोह राग द्वेष करते हैं, तब तो बहुत बुरी स्थिति है ना। तो इस तरह से देखो, इस पूरी गाथा का, दोनों गाथाओं का निष्कर्ष यदि देखें तो 3 स्टेप में निष्कर्ष है। पहली बात तो ये है कि पूर्वबद्ध कर्मों का उदय, पहले के बंधे कर्मों का उदय होने पर जब यह जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना को छोड़कर रागादि रूप परिणमत करे तब इसके नवीन कर्मों का बंध होता है, अन्यथा नहीं होता, है ना। अन्यथा नहीं होता माने चाहे जितने द्रव कर्मों का उदय आए कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो नया मिथ्यात्व बंधेगा कि नहीं बंधेगा, मिथ्यात्व का उदय आए और फिर नया मिथ्यात्व। देखो अभी तक तो 7 कर्मों की तो छुट्टी करी थी, एक कर्म बचा ना तो हम उसे एक को ही पकड़ लेते हैं, चलो मिथ्यात्व का उदय आया तो नया मिथ्यात्व बंधेगा कि नहीं बंधेगा, कंपलसरी है क्या, कंपलसरी नहीं है। यदि कंपलसरी हो तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा जीव, मिथ्यात्व के उदय में नया मिथ्यात्व न बंधे ऐसा संभव है, लेकिन कब, कि जब जीव निर्विकल्प समाधि में लीन रहे तो, लो निर्विकल्प समाधि में लीन रहे तो, और यदि समाधि में नहीं होगा तो फिर उसको राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे, ऐसा है सिस्टम। देखो क्या होता है कि जैसे जो आईना होता है शीशा, उस शीशे को सूरज की तरफ, सूर्य की किरणों की तरफ दिखा करके उसका एक चौंधा होता है, चकाचौंध करते हैं, चौंधा डाल देते हैं तो चौंधा होता है, तो वो चौंधे का निमित्त तो बन गया ये कौन
एक क्या बोलते हैं आपका आईना, ठीक है, और वो चौंधा फिर किसी के चेहरे पे जाके पड़ता है, तो वो जिसके चेहरे पे पड़ता है वो आकुल व्याकुल होगा, फिर परेशान होगा, है ना। लेकिन यदि वो निर्विकल्प समाधि में लीन है तो फिर कोई परेशानी नहीं, चाहे जितना चौंधा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार कर्म का उदय आए, मिथ्यात्व का भी उदय आए, लेकिन जीव निर्विकल्प समाधि में लीन है तो वो मिथ्यात्व का उदय आकर के खत्म हो जाएगा, नया मिथ्यात्व बंधेगा नहीं, संसार चक्र यही टूट जाएगा, खत्म, जीव मोक्ष चला जाएगा, ऐसा है सिस्टम, है ना। लेकिन इसके लिए कहाँ निष्कर्ष आया, निर्विकल्प समाधि में लीन होना, ये पहला पहला बिंदु हुआ। तीन बिंदुओं में इसका निष्कर्ष बता दूंगा, है पहला बिंदु है ये। अब दूसरा बिंदु ये है, यदि उदय रूप से बंद होने लगे तो ये संकट सदाई बना रहेगा। फिर मान लो यदि कोई कहे कि भाई हम तो निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं है, तो क्या होगा कि नहीं होगा, तो तेरे कर्म बनता ही रहेगा, हर वक्त कर्म बनेगा फिर, है ना। इसलिए कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि जो जीव अपने आत्मा को जान लेता है उसी के कर्म आना रुक जाते हैं, नए कर्म उसी के ही रुकते हैं, और जो आत्मा को नहीं जानता, चाहे जितने शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना जो कुछ करो, सब बात सब शास्त्रों का यही सार है, यही सार है ना। जीव यदि उदय रूप से बंद होने लगे, केवल उदय आया फिर बंद जाए, उदय आया बंद जाए, तो ये संकट सदा रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई जीव बिना उदय के खाली नहीं है, उदय तो चल ही रहा है, हर वक्त उदय आ रहा है कोई न कोई, ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ऐसा है, ऐसा है तो फिर कर्मों दे तो बंद का कारण नहीं है कर्म का, कौन सा बात, देखो ये पेज नंबर 11 पर है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, 11 पर है। यदि उदय रूप से बंद होने लगे तो संकट सदा बना रहेगा, कभी भी अंत नहीं होगा, क्योंकि संसारी जीवों के कर्मों का उदय तो सदा ही बना रहता है, ठीक है। अब वो शिष्य क्या शंका कर रहा है, यदि ऐसा है, ये तीसरा बिंदु है, यहाँ पर दो बिंदु हो गए, तीसरा बिंदु कि यदि ऐसा है तो फिर कर्मोदय तो बंद का कारण नहीं है ना, कर्म का उदय से थोड़ी बंद होता है, फिर तो ठीक है ना। कि नहीं नहीं फिर भी ठीक नहीं है। जैसे मान लो कोई कहे कि अच्छा वो हम आत्म ध्यान में लीन रहेंगे तो वो जो चौंधा पड़ेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कि हाँ तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्म ध्यान में लीन नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तीसरा पॉइंट है इसमें। देखो उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बात नहीं है, कौन सी बात नहीं है, कि कर्मोदय से नवीन बंध नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, यानी कर्मोदय से नवीन बंध होता है, लेकिन कब, कि जब जीव निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, निर्विकल्प समाधि में नहीं रहेगा, तो जो कर्म का उदय आएगा ना उसके फल में जीव जरूर मोह राग द्वेष किए बिना नहीं रहेगा, जरूर करेगा, ऐसा है, ठीक है, जरूर करेगा, जो कि व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त होता है, व्यवहार से कर्म बंध का निमित्त है, निश्चय से अशुद्ध उपादान वो खुद है जीव, ऐसा। इस प्रकार यह बात सहज सिद्ध हो गई कि यद्यपि कर्मों के नवीन बंध में पुराने द्रव्य मिथ्यात्व कर्मों का उदय निमित्त कारण है, नया कर्म बंधेगा, कौन बंधेगा, नहीं बंधेंगे, बहुवचन पूरे आठों कर्म बंधेंगे, उसमें पुराना एक कर्म मोहिनी है वो निमित्त कारण, ठीक है। तथापि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, फिर भी जीव यदि मोह राग द्वेष नहीं करे तो फिर वो पुराना मिथ्यात्व भी कुछ नहीं कर सकता, नया नया बंध नहीं कर सकता, वो भी तभी करेगा जब जीव मोह राग द्वेष करेगा। इसलिए आत्मा का हित करने वाली करने वाले असली आश्रय भाव तो मोह राग द्वेष रूप आत्मा के विकारी भाव है, मोह राग द्वेष है, सब पूरा निष्कर्ष ये है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से इस पूरी गाथा में जो है आश्रव का मूल कारण बताया है, बात तो यहाँ पूरी हो गई एकदम, ठीक है, कुछ बचा नहीं इसके बाद, लेकिन जो ये अगला पेज आप देख रहे हो 12 नंबर का पेज, इसमें एक दूसरा अर्थ किया है, वो दूसरा अर्थ बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जस्ट जानकारी के लिए ठीक है थोड़ा सा, कि जैसे 164वीं गाथा में कहा कि ये जो मिथ्या तो वृत्ति कषाय और योग, ये संग और असंग के भेद से दो प्रकार के हैं, तो संग माने द्रव्य और भाव, ऐसा किया था जीव जीव ये भी किया था अपन ने, लेकिन एक तीसरा मीनिंग संज्ञा माने संज्ञा, है ना, चार संज्ञाएं होती है, आहार भय, है ना, आहार भय क्या क्या दिए, चार संज्ञा दिए ना, आहार भय मैथुन
है ना, और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं बोली जाती है, हर जीव में पाई जाती है ये, ठीक है। और असंज्ञा माने जो संज्ञा संज्ञा से किंचित कम है उसको कहते हैं असंज्ञा। जैसे इहलोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा, कुधर्म की आकांक्षा, अब ये गिना ही आचार्यों ने जो भी, तो तीन तो इन्होंने असंज्ञा और चार संज्ञा, कुल मिला के सात सात बातें बताई। ये सात बातें भी नए कर्म के बंधने में कारण है, ऐसा अर्थ एक कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कर सकते हैं, ऐसा भी मीनिंग हो सकता है ना। और लेकिन ये मीनिंग का भी वही भाव है, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं, आकांक्षा है, चाहे कोई सी भी आकांक्षा है, ये लोक की हो, परलोक की हो, कोई भी आकांक्षा हो, आहार की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, है ना, ये सब चीज क्या है, राग द्वेष मोह के अलावा और क्या है, राग द्वेष मोह ही तो है। तो इसलिए राग द्वेष मोह शब्द ज्यादा सही है, सटीक है, और उसमें सारी की सारी बात गर्भित है, इसलिए वो पहला वाला मीनिंग ये सबसे बढ़िया है, वो आचार्य अमरचंद्र देव का है ना। लेकिन ये दूसरा अर्थ भी आचार्य जयसेन ने हमको बताया है, इसलिए ये भी एक नया दृष्टिकोण है, जानकारी की दृष्टि से अच्छा है। तो इस तरह से ये गाथा जो है हमको आश्रव का मूलभूत कारण बताते हैं। पुराने द्रव कर्मों के उदय से जरूरी नहीं है कि हम बंधेंगे, कितना ही उदय आए, कितना ही कुछ भी हो, किसी भी खोटी से खोटी गति में जाए, है ना, तो भी जरूरी नहीं कि उससे नए कर्म बंधेंगे। आपके पास ज्ञान आवरण का कम क्षयोपशम है, तो ये आपकी गलती नहीं है, इस गलती की कोई सजा नहीं है, इसका कोई नया कर्म नहीं बंधेगा, है ना। आप नीच गोत्र में पैदा हो गए तो वो भी आपकी गलती नहीं है, उसकी वजह से भी नया कर्म नहीं बंधेगा, ठीक है ना। आप मान लो कोई कुरूप शरीर है तो उसकी वजह से भी नया कर्म नहीं बंधेगा, तो नया कर्म बंधेगा किसकी वजह से, कि मोह राग द्वेष, है ना। कोई भी कर्म, आठों कर्मों में से सात कर्म का उदय आए तो नया कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन मोह राग द्वेष होंगे तो नया कर्म बंधेगा। अकेला मोहिनी कर्म ही सबसे भारी है ना, इसी को जीतना भारी है, ये सबसे बड़ा कारण आश्रव का, ये चीज यहाँ पर बताइए। बिल्कुल सीधी सरल बात है ना, थोड़ी सी जटिल जरूर है, और रोचकता उत्पन्न करने के लिए मेरे पास कोई आज कोई उदाहरण दृष्टांत था नहीं, है ना, इसलिए थोड़ी सी आपको कठिन जरूर लगी होगी, लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाएगी, आगे और सरल हो जाएगी। आगे की गाथाएं बहुत सरल है, कई गाथाएं बिल्कुल सरल है ना, ये शुरुआत थोड़ी सी कठिन हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको जरूर पढ़ लेना, उससे एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। आशा है समझ में आया होगा, कुछ कठिन लगा हो तो बहुत बताओ आप, है जी। सरल हाँ, समझ सरल हुआ कि नहीं हुआ, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है कि मैंने जो बताया वो सरल हुआ है कि नहीं हुआ है, कठिन लगा नहीं होगा। हुआ है सर, अच्छा, काफी काफी समझ में आया है कठिन, आता है धीरे आया है धीरे जब तो बहुत अच्छी बात आता है, है। आया है जब तो अच्छी बात है, और बाकी देखते हैं और सरल होएगा।